आज हम गरम मसाला बनाने जा रहे हैं। घर का बना हुआ गरम मसाला बाहर की कंपैरिजन में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है, तो क्यों ना हम घर पर ही गरम मसाला बनाकर इस्तेमाल करें। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 चम्मच जीरा, काली मिर्च 3 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, तेज पत्ता 6-7 पीस लेंगे, बड़ी इलायची 10 पीस, छोटी इलायची 4 चम्मच लिए हैं, लौंग 2 चम्मच, सौंफ 2 चम्मच, दालचीनी मीडियम साइज का 7-8 टुकड़ा लेंगे, देखिए इस तरह का, और जयपत्री लिए हैं 7 पीस, और स्टार स्पाइसी इसे बोलते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाते हैं, ये ले लेंगे 5 पीस, और 2 नटमेग इसे जायफल भी बोलते हैं, और ये पिपली है 7-8 पीस लेंगे। तो चलिए बनाते हैं गरम मसाला। तो गैस पर एक पैन रखकर गैस ऑन कर लिए हैं, अब इसे गरम होने देते हैं। इसमें डालेंगे पहले, सबसे पहले हरी इलायची डालेंगे इसमें, और इसे चलाते हुए थोड़ी देर भूनकर फिर डालेंगे काली मिर्च और सौंफ, फिर धनिया, जीरा, और इसे चलाते हुए आधा अथवा 1 मिनट भून लेंगे इसे। अब इसमें डालते हैं लौंग, लौंग डालकर थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इसमें दालचीनी, जयपत्री और स्टार स्पाइसी डालकर, और इसमें फिर तेज पत्ता और बड़ी इलायची और नटमेग को भी तोड़ लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं, और सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए आधा मिनट और भून लेते हैं। तो देखिए ये भून चुका है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ठंडा हो चुके हैं, और पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, जैसे कि हम मसाले को अपने हाथों से छोएं तो गर्माहट फील हो हाथों पर, तभी पीसेंगे मसाले को, तो अच्छी तरह से पीस जाएंगे मसाले। तो मसाले को भर लिए हैं जार में, अब पीस लेते हैं, फिर छानेंगे इसे। तो देखिए मसाला पीस लिए हैं, अब इसे हम छान लेते हैं एक जाली की सहायता से। यदि इसमें मोटा मोटा टुकड़ा और ज़्यादा रह जाएगा तो फिर से पीस लेंगे। तो देखते हैं पहले छान कर इसे। मसाले में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है छानते समय ही कि पूछिए मत, पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। तो लीजिए हमारा मसाला छन चुका है, इनमें मोटे मोटे दाने बहुत कम बचा है, यदि बहुत बचता तो फिर से मिक्सी में डालकर फिर से पीस कर छान लेते, अभी थोड़ा सा ही बचा है तो इसे हम कोई पूरी पराठे पकाते समय यूज कर लेंगे। तो लीजिए हमारा होममेड गरम मसाला बनके तैयार है। आप इस तरह से गरम मसाला बनाकर इस्तेमाल कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।